Good morning, my lovely students. Welcome to all students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 16, day and night. Okay, so students, you have to open the page number 101 from your textbook. Okay, so students, let's start. Shrivanta wakes up at a 6:45 every morning. 6:45 means 6:45 पौने सात जिसको आप बोलते हो. श्रेवंता रोज कितने बजे उठती है? 6:45 को उठती है. 7:45 उठती है. 6:45 को उठती है. ओके, सो व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द टू पिक्चर्स? व्हाट कॉजेज दिस डिफरेंसेस? अब देखो, ये दोनों पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है स्टूडेंट? टाइम सेम है ना. यहाँ पे भी 6:45 हुई, यहाँ पे भी 6:45 हुई, लेकिन यहाँ पे क्या है? मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पे क्या है? इवनिंग टाइम है ना. और इसमें क्या डिफरेंस आपको, मतलब ऐसा क्यों होगा कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम आपको क्या समझ में आता है कि ये मॉर्निंग टाइम क्यों है और इवनिंग टाइम क्यों है? यस, यहाँ पे हमारे सनराइज हुआ है ना, सनराइज हुआ है. यहाँ पे सनसेट हुआ है क्योंकि यहाँ पे सनराइज हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्या है? उजाला है और यहाँ पे अंधेरा है ना. देखो, वी लिव ऑन द अर्थ. हम कहाँ पे रहते हैं? अर्थ पे रहते, पृथ्वी पे रहते. द अर्थ गेट लाइट फ्रॉम द सन. अर्थ को लाइट कौन देता है? सन से मिलती है अर्थ को लाइट. ओके, द अर्थ शेप इज लाइक दैट ऑफ अ वेरी लार्ज बॉल. सो स्टूडेंट्स, अर्थ का शेप कैसा है? बिग बॉल, बड़े बॉल की तरह. देयरफोर लाइट फ्रॉम द सन डज नॉट रीच द एंटायर अर्थ एट वन एंड द सेम टाइम. इसलिए जो सन से लाइट आती है वो पूरे अर्थ पे आती है क्या? नहीं. हाफ द अर्थ गेट सन लाइट व्हाइल द अदर हाफ रिमेन्स डार्क. हाफ अर्थ पे वो लाइट आती है और हाफ पे नहीं आती है. सो वी से दैट इट इज डे इन द हाफ दैट गेट्स लाइट व्हाइल इन द अदर हाफ वेयर सन लाइट डज नॉट रीच इट इज नाइट. सो जहाँ पे क्या होता है? डे होता है. जहाँ पे सन की लाइट जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? डे टाइम बोलते हैं. और जहाँ पे जिस हाफ पार्ट में सन की लाइट नहीं जाती है उसको क्या बोलते हैं हम? नाइट पार्ट बोलते हैं. वहाँ पे अंधेरा होता है ना. और जिस पार्ट में अर्थ के सन लाइट पड़ती है वहाँ पे क्या होता है? उजाला होता है, डे होता है. ओके, सो एवरी डे वी से डे चेसिंग नाइट एंड देन नाइट चेसिंग डे. नाइट कम्स आफ्टर डे एंड द डे फॉलो नाइट. सो स्टूडेंट्स, आप एवरी डे क्या देखते हो? दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है ना. सो ऐसा क्यों? दिस साइकिल गोज ऑन विदाउट स्टॉपिंग. ये साइकिल चलती ही रहती है. ऐसा कभी हुआ क्या? आज दिन ही है, आज रात ही है, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं ना. वॉट कुड बी द रीज़न फॉर दिस? सो इसके पीछे क्या रीज़न है कि दिन क्यों होता है, रात क्यों होती है? ओके, सो जस्ट एज अ टॉप स्पिन्स अबाउट इटसेल्फ द अर्थ टू turns around itself. So the part of the earth that is getting sunlight goes into darkness and the part that is the darkness comes into the light. अब देखो, ये क्या है? टॉप है. अगर आपने टॉप खेला होगा तो जब ऐसा घूमता है, ओके, और इधर से सनलाइट आती है तो उसके जिस जो पार्ट सन के सामने हो उसी पे क्या होता है? हाफ पार्ट पे लाइट आती है और हाफ पार्ट लाइट के बिना रहता है, मतलब हाफ पार्ट में लाइट नहीं पहुँच सकती है ना. सो दैट इज़ वेयर देयर इज़ डे इट बिकम्स नाइट आफ्टर सम टाइम एंड वेयर देयर इज़ नाइट इट बिकम्स डे. मतलब जहाँ पे डे होता है कुछ देर में ये घूम के ऐसा आएगा तो इस पार्ट में क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा. और ये पार्ट पीछे चला जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी, है ना. सो डू यू नो द सन राइजेस इन द ईस्ट इन द मॉर्निंग. सन कहाँ पे उगता है? कौन सी दिशा में उगता है स्टूडेंट्स? ईस्ट में, पूरब में. ओके, मॉर्निंग को. एंड मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट. और कहाँ पे जाता है शाम को? वेस्ट में जाता है. इन द इवनिंग द सनसेट्स इन द वेस्ट. सनसेट कौन सी दिशा में होता है? वेस्ट में. और सनराइज किस दिशा में होता है? ईस्ट में. ओके, सो वी फील दैट द सन गोज अराउंड अर्थ. हमें क्या लगता है कि सन अर्थ के अराउंड घूम रहा है. बट दैट इज ओनली एन इम्प्रेशन. लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है? हमारा आभास है. एक्चुअली द अर्थ टर्न्स अराउंड इटसेल्फ. क्या होता है एक्चुअली में? क्या होता है? जो हमारी अर्थ है वो टॉप की तरफ खुद के साथ ही, मतलब अराउंड होती है. ओके, और खुद से उसकी घूमती है. दैट इज़ व्हाई वी हैव डे एंड नाइट ऑन द अर्थ. इसलिए ही क्या होता है अर्थ पे? डे और नाइट होते हैं क्योंकि वो उसको जो बोलते हैं परिवलन गति बोलते हैं. दिस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ अराउंड इट सेल्फ इज कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ. ये जो अर्थ खुद से घूमती है खुद के आजू बाजू में तो इसको क्या बोलते हैं? परिवलन गति बोलते हैं, रोटेशन ऑफ द अर्थ बोलते हैं. ओके, सो अर्थ के खुद से जो घूमने की गति होती है उसको क्या बोलते हैं? परिवलन गति बोलते हैं. ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ. देन नेक्स्ट, द होल डे हैज 24 आवर्स बट
Are there always 12 hours of day night and 12 hours of darkness? If that were true, we would have sunrise every morning at 6 o'clock and sunset every evening at 6 o'clock too. Let us see what really happened. So students, अब देखो, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का होता है ना. लेकिन आपने कभी ऐसा देखा है कि 12 घंटे का ही डे हो और 12 घंटे की नाइट हो. सुबह 6 बजे ही सनराइज हो जाता है और शाम को करेक्ट 6 बजे ही सनराइज हो सनसेट हो जाता है. ऐसा होता है क्या? वही हमें देखना है. ओके, अब ये जो कैलेंडर दिए हैं तो आपको क्या करना है, आपके घर में जो कैलेंडर होते हैं ना उसमें हर एक डेट को, हर एक मंथ में हर एक डेट पे क्या दिया होता है, सनसेट सनराइज उस दिन कितने बजे होने वाला है और सनसेट कितने बजे होने वाला है. तो ये दो टेबल्स आपको कंप्लीट करने हैं. आपको क्या करना है, मई मंथ का और नवंबर मंथ का कैलेंडर निकालना है इस ईयर का 2021 का. ओके, सो 4 मई को सनराइज कितने बजे हुआ था, सनसेट कितने बजे हुआ था, 8 मई को कितने बजे हुआ था, सनसेट कितने बजे हुआ था, ये आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है. ओके, सो व्हाट डू यू सी, अगर आप ये फिलअप करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा. इन नवंबर द सन राइजेस अ लिटल लेटर एवरी डे व्हाइल इट सेट्स अ लिटल अर्लियर एवरी डे. अब देखो नवंबर में क्या होता है, सन देरी से उगता है सुबह और शाम को क्या होता है, थोड़ा सा जल्दी क्या हो जाता है, शाम को थोड़ा जल्दी से सनसेट हो जाता है. इन द मंथ्स ऑफ मे, मे में क्या होता है, सन राइजेस अ लिटल अर्लियर एवरी डे, सन जल्दी जल्दी उगता है सुबह, एंड सेट्स अ लिटल लेटर एवरी डे, और शाम को भी थोड़ी देर, मतलब लेटर शाम को भी थोड़ा सा लेट ही क्या होता है, सनसेट होता है. ओके, सो व्हाट डज दिस टेल्स अस, इसमें से हमें क्या पता चलता है. इन नवंबर द डे बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर व्हाइल नाइट्स बिकम लॉन्गर. नवंबर में क्या होता है, जो दिन होता है वो छोटा छोटा होते जाता है और जो नाइट होती है वो बड़ी होती जाती है. ओके, और मई में क्या होता है, द डे बिकम लॉन्गर एंड लॉन्गर. मई में बहुत दिन, बड़ा दिन आता है. अब मई आने वाला है, मतलब समर सीजन, और नाइट कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है. ओके, सो दस वी आर नाउ शो दैट डे एंड नाइट आर नॉट 12 आवर्स ईच ऑल ईयर राउंड. तो हम बोलते हैं कि डे 12 घंटे का होता है, नाइट 12 घंटे की होती है, लेकिन ईयर भर में ऐसा नहीं होता है ना, होल ईयर. सो साल में ऐसे 2 ही डेज है. देखो द फिनोमिनन ऑफ अ 12 आवर लॉन्ग डे एंड 12 आवर लॉन्ग नाइट कैन बी ऑब्जर्व ऑन 21 मार्च एंड 22 सितंबर. साल भर में ऐसे 2 ही दिन है कि जिसमें 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है. जो 21 मार्च है वो सबसे लॉन्गर डे है ईयर का. ओके, और 22 सितंबर क्या है, शॉर्टर डे है. ओके, शॉर्टर डे है. ओके, देन नेक्स्ट ऑन मार्च 21 डे एंड नाइट आर बोथ 12 आवर्स लॉन्ग. 21 मार्च को क्या होता है, डे और नाइट दोनों 12 आवर्स के होते हैं. ओके, सो देन इन आवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम इंक्रीजेस स्लोली एंड नाइट टाइम डिक्रीजेस. इसमें क्या होता है, डे टाइम स्लोली स्लोली इंक्रीज होते जाता है और नाइट टाइम डिक्रीज होते जाता है, कम होते जाता है. ओके, सो दिस गोज ऑन टिल जून 21. ये कब तक चलता है, मार्च से लेके 21 जून तक. ऑन जून 21 आवर डे इज द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज द शॉर्टेस्ट. सो जून 21 से क्या होता है, डे लॉन्गेस्ट होता है और नाइट शॉर्टेस्ट होते हैं. ओके, सो फ्रॉम जून 21, अब 21 जून से क्या होता है, इन अवर पार्ट ऑफ द अर्थ डे टाइम बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एंड नाइट बिकम्स लॉन्गर. सो 21 जून के बाद डे टाइम क्या होता है, शॉर्ट होते जाते हैं, कम कम होते जाता है और नाइट टाइम बढ़ते जाता है. दिस गोज ऑन टिल सेप्टेम्बर 22. ये 22 सेप्टेम्बर तक चलता है. बाद में 22 सेप्टेम्बर के बाद होता है क्या होता है, अवर डे इज 12 आवर्स एंड द नाइट 2 इज ऑफ 12 आवर्स. 21 सेप्टेम्बर को क्या होता है, सॉरी 22 सितंबर को क्या होता है, डे भी 12 आवर का होता है, नाइट भी 12 आवर की होती है. ओके, सो आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, द डेज कंटिन्यू टू बिकम शॉर्टर. फिर डे क्या होता है, शॉर्टर होते जाते हैं और नाइट लॉन्गर होती जाती है. कहाँ तक, दिसंबर 22 तक. ओके, सो ऑन दिसंबर 22 आवर नाइट इज द लॉन्गेस्ट. 22 दिसंबर को नाइट लॉन्गेस्ट होती है एंड डे शॉर्टेस्ट होता है. ओके, और फ्रॉम दिसंबर 22 से आगे क्या होता है, द डे ग्रोज लॉन्गर एंड द नाइट शॉर्टर. डे बड़े होते जाते हैं, नाइट छोटी होती जाती है. दिस गोज ऑन टिल मार्च 21. ये मार्च 21 तक चलता है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. फ्रॉम मार्च 21 दिस साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ. सो मार्च 21 से ये साइकिल क्या, रिपीट रिपीट होते रहते. ओके, सो नोट दैट दिस डेट मीन्स वेरी वेरी लिटल. सो आपको ये नोट करना है कि लिटल डेट्स कौन सी है. ओके, इसमें
When the days are longer and the nights are shorter, it is summer. And when the nights are longer and days are shorter, it is winter. अब देखो स्टूडेंट, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिन आते हैं और छोटी रात आती है, वो कौन सा सीजन होता है? समर सीजन, जो अभी चल रहा है, ओके, स्टार्ट हो रहा है. और जो डेज एकदम छोटे छोटे आते हैं और नाइट बड़ी आती है, वो कौन सा सीजन होता है? विंटर सीजन. आपने देखा ना, समर में 5:30 या 5:45 को ही उजाला हो जाता है ना, लेकिन विंटर में होता है क्या? नहीं होता है. 7:30 हो जाती तब तक सनराइज नहीं होता है. सनसेट का भी वैसे ही होता है ना. सो समर में सनसेट कब होता है? शाम को 7:30 के बाद सनसेट होता है, लेकिन विंटर में 5:30 से सनसेट स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो व्हाट वी हैव टू लर्न इस चैप्टर में से हमने क्या क्या सीखा? देखो, एज द लाइट ऑफ द सन डज नॉट रीच द होल अर्थ एट द सेम टाइम. जो सन की लाइट है वो एट ए टाइम अर्थ के सब पार्ट्स पे, होल अर्थ पे नहीं पड़ सकती है. दैट्स वाई क्या होता है? देर इज डे लाइट ऑन हाफ द अर्थ एंड व्हाइल देर इज डार्कनेस ऑन द अदर अर्थ. इसलिए क्या होता है, आधी अर्थ पे, आधी पृथ्वी पे क्या होता है? डे होता है, आधी पृथ्वी पे नाइट होती है, जिसपे उजाला नहीं पहुँच सकता वहाँ पे. द अर्थ स्पिन्स अराउंड इट सेल्फ. अर्थ क्या होती है? उसके आजू बाजू में स्पिन्स होती है. ओके, सो द पार्ट दैट फेसेज द सन गोज इन टू डार्कनेस एंड द पार्ट दैट इज डार्क कम्स इन टू द लाइट. दैट इज वाई वी हैव अ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ अल्टरनेटली. सो क्या होता है, अर्थ उसके अराउंड ही क्या होती है? मूव होती जाती है. तो क्या होता है, जो पार्ट उजाले में आते हैं वहाँ पे डे होता है, जो जिस पे उजाला नहीं पहुँचता वहाँ पे नाइट होती है. ओके, मतलब ये अल्टीमेटली चलता ही रहता है. वी कैन ऑब्जर्व दैट द 24 आवर्स ऑफ द डे आर डिवाइडेड इंटू 12 आवर डे एंड 12 आवर नाइट ऑन 21 मार्च एंड 22 सेप्टेम्बर. दिन के कितने घंटे होते हैं? 24. वो हमने 12-12 घंटे में डिवाइड कर ली है, डे टाइम और नाइट टाइम. लेकिन ये कब होता है साल में? एक ही बार होता है कि जिस दिन पूरे 12 आवर्स का डे होता है, पूरे 12 आवर्स की नाइट होता है. ऐसे कौन से 2 डेज हैं? 21 मार्च और 22 सेप्टेम्बर. फ्रॉम डिसम्बर टू जून. सो डिसम्बर से जून तक क्या होता है? डे क्या होता है? लॉन्गर होते जाते हैं. और जून से लेकर डिसम्बर तक डे शॉर्टर होते जाते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये चैप्टर प्रॉपरली रीड करना है, ये टेबल आपको फिलअप करना है. छोटा ही चैप्टर है और ईजी है. ओके, सो इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स है, तो मैं आपको 2 PDFs में सेंड करूँगी. ओके, और साथ में स्टूडेंट्स, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ईवीएस का लर्निंग आपको अच्छे से स्टार्ट करना है. ओके, और PDF भी प्रॉपरली नोटबुक में अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी है. और मैंने नोटबुक्स की डेट आपको ऑलरेडी सेंड कर दी है. ओके, सो आपको आपकी नोटबुक मेंटेन करके रखनी है. ओके स्टूडेंट्स, चल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.